टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। कार्तिक स्नान के पावन पर्व पर कोरोना काल के बाद गंगा स्नान के लिए बुलंदशहर सहित कई लोगों में अनूप शहर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बुलंदशहर में आज कार्तिक स्नान को लेकर घाटों पर काफी भीड़ देखने को मिली। इस हर जिले में दूर दराज से कई लोग पहुंचे और भारी संख्या में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की डुबकी की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां प्रशासन ने लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं की गंगा में डुबकी लगाने की आशंका जताई है। वहीं जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, रायबरेली, फरुखाबाद, अयोध्या, फतेहपुर, बलिया और बुलंदशहर से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पे भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया है। आज व्रतपुर आज जो है पूर्णिमा है और ये जो कल्पवासी लोग हैं आज स्नान दान करके अपने अपने घरों को जाएंगे, जलमभूमि भी जाएंगे, राम मंदिर देखेंगे, हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ाएंगे, नागेश्वर नाथ चढ़ाएंगे। आज वही भीड़ है। ये तीर्थ में जब जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन जग समान। अभी 14 कोस का परिक्रमा लोग किए हैं, पंचकोशी का परिक्रमा किए हैं। ये सब करने से अनेकों जन्मों का उनके पाप नाश हो जाते हैं, उनकी मनोरथ पूरी होती है, वो निरोग हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पूर्णमासी स्नान का पर्व है आज, इसलिए हम लोग कार्तिक स्नान पूर्णमासी का स्नान करने आए थे। सरयू मैया में स्नान किया हूँ, दान किया जाता है, ब्राह्मणों को दर्शन किया जाता है, भगवान का दर्शन किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान आज चल रहा है और अयोध्या धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो अयोध्या जनपद के हैं तथा आसपास के जनपद तथा स्टेट के बाहर के भी काफ़ी श्रद्धालु यहां पे स्नान कर रहे हैं। और स्नान करने के उपरांत जो है ये विभिन्न मंदिरों जैसे श्री नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, श्री रामलला मंदिर, कनक भवन मंदिर इत्यादि में दर्शन पूजन के लिए जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसमें सिविल पुलिस, PSC, RAF की डिप्लॉयमेंट की गई है, ATS की टीमें हमारी लगी हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सही रहे इसके लिए ट्रैफिक की भी डिटेल डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की गई है। सादे में भी फोर्स लगाई गई है, पुरुष और महिला सादे में भी, जिससे कि किसी भी तरह की छेड़खानी या चेन स्नैचिंग इत्यादि घटना न होने पाए, इसको दृष्टिगत रखते हुए एक डिटेल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पे की। दीर्घ मुनि, दरदर मुनि, ये पावन धरती है, इस पावन धरती पर जो भी स्नान करता है उसका गंगा मैया हर पापों को भर लेती है और उसके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। और दिन पर दिन जैसा चाहता से जो भावना दे करके ये मानव आते हैं वे समझ जाइए अच्छा ही उनका कल्याण होता है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं? प्रशासन की बहुत अच्छा व्यवस्था इस साल है, पिछले साल से। हमारी PSC कंपनी भी डिप्लॉय थी और फ्लड कंपनी भी थी और SDRF भी, हमारी स्टेट डिजास्टर जो है रिलीफ फ्लड कंपनी जो है वो भी यहाँ पे आई हुई थी। और इसके अलावा हमारे कई अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी, ये सारे लोग लगे थे। हम लोगों ने इसको पूरे मेला क्षेत्र को करीब 7 जोन में इसको बांटा था और 18 या 19 सेक्टर में बांटा था, तो सारे में सारा फोर्स डिप्लॉय था और सभी लोग अच्छे से काम करते रहे। तो इसमें भीड़ भाड़ अच्छी खासी दिख रही है और शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। त्यौहार माना जाता है, फिर गंगे मई का स्नान और ध्यान माना जाता है, इसलिए जो है गंगा के भक्त जो है आने वाले हैं वो आते हैं, तो अब तक आते हैं। भैया इस बार बढ़िया भीड़ है, पर साल नहीं भीड़ थी, पर साल इतनी जो है। अच्छा, प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हाँ, उससे फर्क बहुत पड़ गया है। इससे फर्क ये पड़ गया है कि बच्चे यहाँ नहीं घूमते हैं, यहाँ ग्राहक लोग नहीं घूमते हैं, जैसे यहाँ ग्राहक लोग ज़्यादा घूमते हैं वो नहीं है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले भी यहाँ जो
राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि किसानों को बधाई देता हूं जो लगातार संघर्ष करते रहे और तीनों काले कानून वापस लिए गए। जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी, आने वाले समय में सबक सिखाएगी। आगे अखिलेश ने कहा कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लखीमपुर मामले में अखिलेश ने कहा कि अब तक उस मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी। आज भारतीय जनता पार्टी की नजर जनता के वोट पर है, उनको किसान के हित से लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि जिन्होंने माफी मांगी है वो राजनीति भी छोड़े, जनता इनकी झूठी माफी समझती है। सरकार चुनाव से डर गई है, वो वोट के लिए विल वापस हुए हैं। किसान इन्हें माफ नहीं करेगा, इनको इस चुनाव में साफ कर देगा। क्या माफी मांगने से जान वापस आ जाएगी किसानों की? बड़ी संख्या में किसानों की जान गई है, सरकार आए, केंद्र सरकार उनकी मदद करे। समाजवादी पार्टी की मांग है कि MSP कब लागू होगा, उसके लिए कानून। अब खबर औरैया से है, जहां किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जहां तीनों कृषि बिल सरकार की तरफ से वापस लिए गए उसको लेकर किसान उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष विपिन राजपूत ने खुशी जताई है और कहा कि किसान एक साल से लगातार बॉर्डर पर बैठे कर संघर्ष कर रहा था, सरकार पहले ही ये कानून वापस ले लेना चाहिए था और आखिर में किसानों के संघर्ष की जीत हुई। विमलेश कुमार ने कहा कि किसानों की जीत हुई है, सरकार को पहले ही ये कानून वापस ले लेना चाहिए थे। किसान लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर तीन एक साल से बैठा हुआ है, ये किसानों के संघर्ष की जीत है, इसीलिए आज ये सरकार को वापस लेना पड़ा। सरकार को पता है कि अलग अलग प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उसे देखता है कि मेरी खड़ियत होने वाली है। अभी देखा होगा आपने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ तो प्रधानमंत्री जगह जगह जा रहे हैं लेकिन भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रहे। यदि प्रशासन को DM और SP की जिम्मेदारी करती है कि भीड़ इकट्ठा करिए, आप सरकारी कर्मचारियों को वहाँ बुला रहे हैं, ठीक है, तब उन्हें भीड़ दिखा रही है। अब उन्हें दिखा रहा है कि हम बैकफुट में जा रहे हैं, इसलिए बैकफुट में जाने की वजह से उन्होंने कृषि कानून ये वापस लिए और ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। ये सरकार को पहले ही तीनों बिल वापस लेने थे और किसानों की जीत हुई है। बॉर्डर पे जो किसान लगे थे वो अपने आप वापस लौट जाएगी। आज ये तीनों कानून जो सरकार ने वापस लिए हैं ये किसानों की ऐतिहासिक जीत है और इसके लिए किसान पूरे मतलब देश की जो किसान बांध रहा बड़ा हुआ था, किसानों को बहुत बड़ी राहत हुई है और ये सरकार के लिए बहुत बड़ी मतलब एक तरीके की बेइज्जती की बात है। करना आखिर में वही पड़ा जो उन्होंने बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन आखिर यूपी की पूर्व समाजवादी सरकार ने जिसको उपाध्यक्ष बताकर कराई सपा में ज्वाइनिंग, उस नाम का कोई व्यक्ति AMU छात्र संघ में उपाध्यक्ष रहा ही नहीं है कभी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की छत्र छाया में ज्वाइन करने वाले छात्र पर गंभीर आरोप लगाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसी जगह पर अबू आसिम आजमी भी मौजूद थे और उन्होंने भी अपने कुछ समर्थकों की ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी में करवाई। इसी में एक नाम था यासीन गाजी, जिनके नाम के साथ उनका परिचय देते हुए प्रोग्राम के होस्ट ने बताया कि यासीन गाजी AMU छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं और वो आज AMU छात्रों के साथ सपा की सदस्यता ग्रहण करने आए हैं। इस खबर के फैलते ही अलीगढ़ में सियासी बाजार गर्म हो गया और पक्ष विपक्ष की टिप्पणियां आनी शुरू हो गई। करता चलूँ कि जब जब इलेक्शन करीब आता है मुसलमानों का नाम और उनके इदारों का नाम यूज़ किया जाने लगता है। अभी तक अबू आसिम आजमी और अखिलेश यादव को मुसलमानों की याद नहीं सताई, लेकिन अभी ट्वीट किया अबू आसिम आजमी ने कि चंद शेरवानी पहनने वाले लोग जब वहाँ पहुँचे और उन्होंने ज्वाइनिंग की, वो उनका अपना व्यक्तित्व मैटर है, लेकिन ये चंद शेरवानियाँ अलीगढ़ को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। यहाँ पर तकरीबन 30,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और वो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनकी विचारधारा से सपोर्ट करते होंगे, लेकिन आप चंद लोगों को ले जाएं और कह दें, एक स्लोगन वहाँ पर लिख दें और पूरी उसमें मैसेज दें कि अलीगढ़ के छात्र अब हैं सपा के साथ, तो हम इसको कंडम करते हैं। क्या हम इतने सस्ते नहीं हैं, हम इतने बेचारे नहीं हैं, हम इतने मायूस नहीं हैं कि आप हमारे नाम को इलेक्शन से पहले यूज़ करके एक अलग ही विचारधारा वहाँ पर खड़ी करने की कोशिश करें। दूसरी बात ये, अगर मुस्लिम नुमाइंदगी की आप बात करते हैं या दूसरी पार्टियाँ बात करती हैं, तो पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि 403 में से हम 23 पर पैक हो गए और जहाँ जहाँ लिंचिंग हो रही है, जहाँ जहाँ फसाद हो रहे हैं, पुलिस कस्टडी के अंदर मारा जा रहा है,
बच्चियों के साथ छेड़खानी हो रही है, इस पर कोई भी पार्टी या कोई भी नेता जो है वो आगे नहीं बढ़ता है। हाथरस में कुछ हो जाता है तो लोग चेने तोड़ करके भागना शुरू कर देते हैं, मुआवजे की बातें करने लगते हैं। तो ये हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरे के पूरे समाजवादी के खिलाफ हैं या हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम ये कह रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मुसलमानों का इल्मी तबका है, इसको अपने सियासी मफाद के लिए यूज़ मत करो। चंद लोगों को शेरवानियाँ पहना करके ये मत बताओ कि ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी हमारे साथ हो गई, ये कौम हमारे साथ हो गई। हमारा परसेंटेज ज़्यादा है, हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव को लेकर जहां सभी दलों ने बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलीगढ़ में 2022 चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ महानगर और जिला मंडलीय व्यापार सम्मेलन अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया था। भाजपा व्यापार सम्मेलन में नगर विकास राज्य मंत्री अतुल गर्ग सहित अलीगढ़ के आसपास के अन्य जनपदों के व्यापारियों के संगठनों ने सम्मेलन के दौरान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बसपा कांग्रेस सहित अन्य दलों पर जमकर कटाक्ष करते हुए हमला भी बोला गया। इसके साथ ही मंच को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सिंधिया ऐसी हैं जो सपा बसपा और कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में रात और दिन शामिल हो रहे हैं। सोलह नवंबर से हमने सहारनपुर, 17 नवंबर को हापुड़ और आज अलीगढ़ और शाम को आगरा, हम पूरे प्रदेश में हर कमिश्नर व्यापारी सम्मेलन कर रहे हैं और व्यापारी जी तोड़ के दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। व्यापारी को पता है व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा अगर किसी पार्टी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश बाबू ने व्यापारियों को लूटा है, ठगा है, और व्यापारी का बेटा जब दुकान कर खोल जाता था समाजवादी शासन में तो उसके साथ ठगी, उसकी लूट, डकैती, हत्या और रंगदारी से उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी शासन में जल रहा था। आज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य में पूरा देश का व्यापारी, उत्तर प्रदेश का व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस करता है। मैं तो कहता हूँ कि एक तरफ श्री राम की सेना है श्री मोदी और श्री योगी के रूप में, एक तरफ रावण रूपी राक्षस की सेना है सपा बसपा कांग्रेस लोकदल के रूप में। अब जनता को फैसला करना है कि श्री राम की सेना के साथ जाना है या रावण की सेना साथ। बलिया में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा श्रद्धालुओं की सेवा में नगर के भृंगु आश्रम मार्ग पर भाजपा के सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जहां सेवा शिविर में उपस्थित राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मीडिया के एक सवाल पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर राजनीतिक कटाक्ष करते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आतंकवादी मुसलमानों की पार्टी है जो साधु संतों का अपमान करते हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि वो राजनीति नहीं करते जो हमारे संत के खिलाफ बोल रहे हैं। अखिलेश के जहन और हृदय में मौलाना मुलायम का बच्चा है। वो सब आतंकवादी मुसलमानों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो सब पूरी तरीके से साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो राजनीति नहीं कर रहे, व्यापा कर रहे हैं, वो एक संत पर, एक सन्यासी पर जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, इसके जेहन में ये मौलाना मुलायम का बच्चा है, इसलिए इसके जेहन में इसके डीएनए ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। बलिया से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ के थाना कुआरसी क्षेत्र के सुदामापुरी कॉलोनी में अलीगढ़ बार एसोसिएशन के सदस्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया कि लंबी बीमारी और डिप्रेशन के चलते 30 साल से वकालत कर रहे 55 साल के सीनियर एडवोकेट ने खुदकुशी कर ली। चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां एडवोकेट के घर में गोली मारकर की गई खुदकुशी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। तो वहीं एडवोकेट के खुदकुशी की सूचना थाना कुआरसी पुलिस को दी गई
गई है। वकील द्वारा तमंचे से गोली मारकर की गई आत्महत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में थाना प्रभारी सहित नगर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। अलीगढ़ बार एसोसिएशन के सदस्य की तरफ से सुसाइड करने की सूचना पर वकीलों का हुजूम भी घटनास्थल पर उमड़ पड़ा। तो वहीं वकील की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। आज ये दुखद घटना हुई है। हमारी पार्टी के एक सम्मान्य सदस्य श्री आशीष कौशल जी द्वारा स्वयं आत्महत्या की गई है, जो कि बहुत ही दुखद है। इनकी पत्नी अपनी नौकरी पर गई हुई थी, जब वो 2 बजे बच्चा नोएडा था, अकेले रूम में थे, जब पत्नी अपनी सर्विस से वापस आई, जब उन्होंने रूम में आके देखा। अलीगढ़ के कबराबाद ब्लॉक के कस्बा कोड़ियागंज में मुसीबत का कारण नदी बनी हुई है। आज के आधुनिक युग में एक ओर सूबे के मुखिया विकास के नाम पर अनेकों दावे करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ के कस्बा कोड़ियागंज में एक जगह ऐसी है जहां लोगों को नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, तो कभी कभी दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ता है। कस्बा कोड़ियागंज स्थित एक नदी ऐसी भी है जो आसपास के सैकड़ों गांव को जोड़ती है, और वहीं नदी पार करके लोगों को बाजार आने जाने के लिए, नदी को पार करने के लिए और खेती करने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। कहा जा रहा है कि जब भी चुनाव आते हैं तो जनप्रतिनिधियों के पास नदी का पुल बनवाने के अलावा कोई और मुद्दा नहीं होता है, और चुनाव जीतने के बाद नेता लोगों का इस ओर कोई ध्यान नहीं जाता है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर यहां पर पुल बन जाए तो हमें बहुत राहत मिलेगी। यहाँ से नदी पार करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और यहाँ जो जितने भी गांव हैं, सैकड़ों गांव जो कौड़ियागंज हमारे कस्बे से जुड़ना चाहते हैं, वो जो है कौड़ियागंज कस्बे से बहुत दूर हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे नदी का पुल नहीं है और यहाँ पे कई बार घटना भी घट चुकी है, और जो है नाव जो है कई बार पलट भी चुकी है, लेकिन जो प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए, अभी मेरे संज्ञान में आया है कि वहाँ जो नहर है उस पर कोई पुल नहीं है, और उस नहर के माध्यम से 7 या 8 गांव की जनता नदी पार करती है। अभी संज्ञान में आया है, ये विषय गंभीर है, इसको एक बार दिखवा लेंगे और संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता करके इसकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाएगा। प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा रामपुर खास ने क्षेत्रीय लोगों की सौगात दी है। क्षेत्र में कई जगह पर पहुंचकर भूमि पूजन किया गया और क्षेत्रीय लोगों को संबोधित भी किया गया। वहीं क्षेत्र में लगभग 18,68,38,000 की लागत से लोक निर्माण विभाग की तरफ से स्वीकृत हाईवे के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। सौगात मिलने के बाद वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी समेत क्षेत्रीय लोगों ने धन्यवाद दिया। विधायक आराधना मिश्रा मोना की तरफ से क्षेत्र के सराय जानवती रामपुर पावर हाउस, पूरे शिवावैश्य करण राय और पूरे जोधा मन्ना का पुरवा कोटिला का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय विधायक मोना जी ने 12 किलोमीटर 125 मीटर लंबी सड़क जो हाईवे के रूप में होगी, जिसकी लागत लगभग 19 करोड़ आएगी, उस सड़क का निर्माण किया। वो चौड़ी भी होगी, सुदृढ़ भी होगी, और जहाँ जहाँ पे बस्ती और आबादी होगी वहाँ नाली का और सीसी रोड का प्रावधान है। ये सड़क उस क्षेत्र में जिन गांव से जा रही है उसके लिए नई जीवन। मथुरा के वृंदावन के महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने मथुरा वृंदावन के वार्ड नंबर 38 के मनोहरपुर में लगभग 10 लाख की लागत से सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान महापौर ने बताया कि काफी समय से इस सड़क के लिए जनता की मांग थी और उसको दृष्टिगत रखते हुए ये सड़क बनवाई जा रही है, और भविष्य में चौमुखी विकास के लिए नगर निगम मथुरा वृंदावन तत्पर है। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि जाकर संतोष कुमार, हरि ओम बघेल, पवन कुमार, किशन आदि लोग भी उपस्थित रहे। देखिए, आज वार्ड नंबर 38 में बाल्मी की बस्ती मनोहरपुरा में यहाँ पर एक रोड का उद्घाटन किया गया है, और इसकी लागत लगभग 10 लाख रुपए है। बहुत दिनों से यहाँ जनता की बेहद मांग थी कि यहाँ की जो जीवन शैली सड़क थी
बड़े बुजुर्ग गिर जाते थे, लोगों के लिए काम नहीं हो पा रहा था, तो इसको हमने जो है 10 लाख रुपए की लागत से बनाना तय कर दिया है। संभल के सदर तहसील क्षेत्र में अवैध रूप से खनन करने वाले लोगों पर एडीएम संभल कमलेश कुमार अवस्थी और खनन अधिकारी सोमेंद्र तिवारी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अलग अलग थाना क्षेत्रों से 8 डंपर और 2 जेसीबी अवैध खनन करते हुए सीज किए गए, जिसमें सदर कोतवाली इलाके के चौधरी सराय से 1 डंपर तथा हयात नगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन से 1 डंपर मिट्टी से भरा हुआ तथा नखाशा थाना क्षेत्र के रीठाल के जंगल से 6 डंपर और 2 जेसीबी अवैध खनन करते हुए पकड़े गए हैं और जिन्हें सीज कर दिया गया है। संभल तहसील क्षेत्र से लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एडीएम संभल कमलेश कुमार अवस्थी और खनन अधिकारी संभल सोमेंद्र तिवारी ने छापेमारी के दौरान 8 डंपर तथा 2 जेसीबी को सीज करते हुए खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। सोनभद्र के जिला अस्पताल लोड़ी में बच्चे का इलाज कराने आई महिला के साथ डॉक्टर ने अभद्रता की। महिला का आरोप है कि डॉक्टर ने उसे अपने निजी हॉस्पिटल में बुलाया और महिला से जांच रिपोर्ट की फर्जी जबरदस्ती छीन ली और कहा कि तुम जिला अस्पताल का चक्कर लगाती रहोगी लेकिन कुछ फायदा नहीं होने वाला है, और इसकी शिकायत महिला ने तुरंत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से की। इस मामले को तुरंत सीएमएस ने बताया कि डॉक्टर के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।